एह कोमल तर तिन देड़ दी जिदा जग विच रोशन नाम, जिदा जग विच रोशन नाम। गुरु दसम पिता गोविंद दे, गुरु दसम पिता गोविंद दे। चरण सपरशी थां एह पावन तर तिन देड़ दी। दक्षिण की गंगा कही जाने वाली पावन नदी गोदावरी के तट पर बसा है शहर नांदेड़, जो कि औरंगाबाद के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर नांदेड़ हजूर साहब सचखंड गुरुद्वारे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हजूर साहब गुरुद्वारा सचखंड के नाम से विश्व विख्यात है, यानी सत्य का क्षेत्र। हजूर साहब गुरुद्वारा सिखों के 5 तख्तों में से एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का निर्माण 1832 ईस्वी से 1837 ईस्वी के बीच पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवाया था। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। यहीं पर सरहिंद के नवाब वजीर शाह ने जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या का ऐलान किया, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सभी सिखों को आदेश दिया, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। यानी मेरे बाद सभी पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु माने। गुरु गोविंद सिंह जी की यह अभिलाषा थी कि उनके निर्वाण के उपरांत उनके अनुयायी चाहे तो वापस पंजाब जा सकते हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रेम से आसक्त उन अनुयायियों ने नांदेड़ नहीं छोड़ा और छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना की। वही मंदिर आज सचखंड साहब के नाम से सिखों के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में विश्वविख्यात है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे, बहुत खुश होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। आज मैं जा रही हूँ दर्शन करने हजूर साहब गुरुद्वारा नांदेड़ में, तो आप मेरे साथ बने रहिए और दर्शन कीजिए हजूर साहब गुरुद्वारा नांदेड़ के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ख्याल से जाना है, अपना अपना ध्यान रखना, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो अपना अपना ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखियो बेटे, नाना जी का भी, पापा जी का। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और जो ट्रेन का नाम है वो है श्री गंगानगर से नांदेड़ के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस। रात को गाड़ी के नई दिल्ली से रवाना होने का समय था 11:30 बजे। उस समय सामान को अच्छे ढंग से रख के मैं सो गई। सुबह जब नींद खुली तो सूर्योदय का समय हो गया। इस ट्रेन में बाहर के दृश्य तो खूबसूरत थे ही, और जिन जिन स्टेशनों पे गाड़ी रुकती थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थे। इसके अलावा उस ट्रेन में जो संगत थी, जो कि गुरुद्वारे के दर्शन करने जा रही थी, उन्होंने तो हमारा मन ही मोह लिया। स्कूल दा ना की है दास दियो, स्कूल दा ना दास दियो। माता सुंदरी वाली स्कूल कश्मीर। अरे वाह, कितने जा रहे हो? डबल उदय जब जोत कुर्ता पजामा कितने सिले हैं? मेरे मम्मी ने, मम्मी ने, मासी ने, मासी ने बहुत सोने। मैं ले जाऊं? नहीं। क्यों? चलो क्लैपिंग करो भाई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपाल साल
चलो भाई क्लैपिंग, वेरी गुड वेरी गुड। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, हुन बोल लो, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम जो बोले सो निहाल। इतने अच्छे लोगों के साथ समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। 24 घंटे के बाद रात को 12 बजे के करीब हम पहुंच गए हजूर साहब नांदेड़ स्टेशन पर।